Hey guys, आज ये क्या हमारी आज की टेक और ऑटोमेशन अपडेट्स को लेके दोस्तों काफी अच्छे अपडेट निकल के आए हैं। सबसे पहले बता दूं आज रेडमी की तरफ से K50i फाइनली लॉन्च हो चुका है इंडिया में। वैसे मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर छोटी सी रील डाल दी थी, उसके अंदर सारी डिटेल आपको बता रखी है, लेकिन फिर भी अभी मैं बता देता हूं अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं चेक किया है। दोस्तों इसमें 6.67 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले आई है, FFS डिस्प्ले दोस्तों IPS से थोड़ी सी बड़ी होती है। इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, रिफ्रेश रेट काफी अच्छा है। MediaTek Dimensity 8100 आया जो कि काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है, साथ में 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, यानी कि काफी अच्छा सेटअप आपको मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट भी है, 5080 mAh की बैटरी है, 67 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, एंड्रॉइड 12 बेस्ड MIUI 13 के ऊपर ये फोन आता है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग काफी अच्छी है, 25999 से शुरू हो रहा है। 6GB 128GB का मॉडल, 8GB 256GB का भी मॉडल है, 28999 में मिलेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से प्राइसिंग, प्रोसेसर, स्क्रीन, डिस्प्ले साइज वगैरह बहुत सही है, जो भी लोग ट्राई कर रहे थे कर पाएंगे इस फोन को बहुत ही जल्दी। दोस्तों सच में बहुत सही फोन निकल के आया रेडमी की तरफ से, रेडमी ने काफी अच्छा काम किया है इस प्रोसेसर के ऊपर, इतना अच्छा प्राइस रख के मुझे बहुत पसंद आया। हाँ दोस्तों एक जबरदस्त चीज बता दूं आपको, स्विस मैन्युफैक्चरर है रिचर्ड माइल, दोस्तों उन्होंने एक वॉच क्रिएट की है बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड की थिननेस्ट वॉच। दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैं पिक्चर लगा रहा हूँ, दोस्तों इसका प्राइस रखा गया है ओनली एंड ओनली 15 करोड़ रुपीज। दोस्तों काफी पतली है, वैसे उन्होंने कहा फीचरफुल वॉच है, देखते हैं दोस्तों कौन लोग इसको परचेज करते हैं। वैसे उन्होंने कहा है कि काफी जबरदस्त सी वॉच है और सच में दोस्तों बहुत पतली है। और दोस्तों ये अगला प्रिंट निकल के आ रहा है, आपको बता दूं नथिंग की तरफ से, नथिंग फोन 1। इसके अंदर दोस्तों मैंने बताया था कल कि इसके अंदर ग्रीन डिस्प्ले आ रही है, इसमें अंदर दिक्कत आ रही है बेसिकली डिस्प्ले के अंदर। तो दोस्तों कंपनी ने क्लेम किया है कि ये फोन के अंदर डिस्प्ले जो है इसमें ये सॉफ्टवेयर का बग है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे फोन को उन्होंने ठीक कर दिया है रीसेट वगैरह करके, अब जो उन्होंने कहा है कि एक अपडेट देंगे बेसिकली इस फोन के लिए, जिन लोगों के पास है उनको अपडेट मिलेगा और उनकी डिस्प्ले जो है वो ठीक हो जाएगी अपने आप ही। अब दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है या क्या है पता नहीं, कंपनी ने क्लेम किया है तो होगा शायद, तो हो सकता है दोस्तों कि आपका जो फोन है जो ग्रीन डिस्प्ले आपको नजर आ रही है, ग्रीन ग्रीन स्पॉट नजर आ रहे हैं, वो ठीक हो जाए। और दोस्तों इसी के साथ में एक बहुत बढ़िया लॉन्चिंग हुई है वीवो की तरफ से आज, वीवो T1X 4G। दोस्तों ये भी काफी अच्छा लगा मुझे फोन जो लॉन्च हुआ है। दोस्तों ये फोन लॉन्च हुआ है 6.58 इंच के डिस्प्ले के साथ में फुल HD। और दोस्तों इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 680 मिल जाता है, यानी कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है। दोनों ही फोन बहुत अच्छे लगे मुझे रेडमी की तरफ से भी और वीवो की तरफ से। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट आ जाता है, और साथ में दोस्तों इसके अंदर आपको मैंने बोला है Qualcomm Snapdragon 680 जो कि सच में काफी बढ़िया प्रोसेसर है। 4G के अंदर 4G 6GB दोनों टाइप के रैम आएंगी और इसके अंदर 64GB का वायरलेस रेट आएगा। दोस्तों यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, एंड्रॉइड 12 बेस्ड ये फोन होने वाला है। इसका प्राइस भी सच में काफी अच्छा है, इसका प्राइस निकल गया है 11999 रुपीज का, मतलब दोस्तों 6 सीरीज का प्रोसेसर 12000 के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है, सच में काफी पावरफुल प्रोसेसर है। मुझे ये भी फोन काफी अच्छा लगा, जो भी लोग ट्राई करना चाहते कर पाएंगे जल्दी ही। वैसे दोस्तों बात करते हैं Qualcomm की, Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1 और W5 Gen 1, दोस्तों ये वेयरेबल्स के लिए आपकी जो स्मार्ट वॉचेस वगैरह होती है उनके लिए ये प्रोसेसर लॉन्च किए हैं आज Qualcomm ने। दोस्तों काफी अच्छा उन्होंने कहा है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। अब दोस्तों देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे ओप्पो या एक आध और कंपनी जिन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया है कि इनके जो नए प्रोसेसर आ जाए हैं इनके ऊपर जल्दी ही आपको स्मार्ट वॉचेस देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों देखते हैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी Qualcomm की तरफ से। और दोस्तों बात करते हैं WhatsApp की, WhatsApp ने दोस्तों टेस्ट करना शुरू कर दिया एक नए रिएक्शन इमोजीज के ऊपर। दोस्तों अभी तक जो है आपको मैंने बताया था कि आप मैसेज कोई आता है तो उसको आप रिएक्ट कर पाओगे, अब जो भी आप स्टेटस अगर लगाओगे उसके अंदर भी आप इमोजी से रिएक्ट कर पाओगे। दोस्तों काफी अच्छा हो जाएगा, मतलब आप स्टेटस लगाओ उसके अंदर आपको एक छोटा सा जो भी ये लाइक वगैरह करना है, जो भी आपको इमोजी देना है वो आप दे पाओगे। दोस्तों जबरदस्त है, वैसे ये टेस्टिंग स्टेज पे जा चुका है, धीरे धीरे ये आपको जो है मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तो टेस्टिंग स्टेज में है तो कहा जा रहा है कि अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है एक आध महीने तक आपको मिल जाए। ऐसा दोस्तों iQOO की तरफ से काफी अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है, iQOO 9T5G 28 जुलाई के लिए कंफर्म हो चुका है। दोस्तों ये फोन काफी जबरदस्त होने वाला है, कहा जा रहा है इसकी सेल जो है वो भी जल्दी ही आ जाएगी, मतलब कुछ ज्यादा टाइम नहीं इसमें फर्क नहीं होगा, 8 प्लस जेन 1 के ऊपर होने वाला है फोन है। दोस्तों काफी जबरदस्त होगा, देखते हैं क्या निकल के आता है। आपको क्या लगता है iQOO की तरफ से पहला फोन जो 8 प्लस जेन 1 के ऊपर होगा इंडिया के लिए? वैसे दोस्तों Netflix की तरफ से कंफर्म हो चुका है उनके जो प्लान आने वाले हैं जिसमें आपको एड वगैरह देखने को मिलेंगी, पर उन्होंने कहा है कि आपको पूरा एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप पूरा Netflix नहीं उसमें देख पाओगे, कुछ लिमिटेड होगा। अगर आपको प्रॉपर Netflix की सारी चीज देखनी है तो आपको बड़ा प्लान लेना होगा,
पर अगर आपको कुछ लिमिटेड ही मजा लेना है नेटफ्लिक्स का विद एड तो ये छोटे प्लान आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं अगला निकल के आ रहा है PS5 की तरफ से। PS5 का रिस्टॉक होने वाला है इंडिया में दोस्तों 23rd of July के लिए 12 noon मतलब दोपहर के 12 बजे इसकी जाने वाली है पहली सेल जुलाई के लिए। तो जो भी लोग ट्राई कर जाते हैं अभी तक नहीं मिल पाई है वो कर पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ बता दूं गूगल पिक्सल 6a ये फोन आने वाला है काफी जरूरत से होने वाला है, लेकिन इसमें अपडेट निकल के आ गया कि इसमें आपको इनबॉक्स चार्जर नहीं मिलेगा। दोस्तों काफी अजीब बात हो रही है, मतलब ज्यादातर कंपनियां जो है चार्जर अपने बॉक्स से निकालती जा रही है, ये बहुत गलत चीज हो रही है, पर आज गूगल की तरफ से कंफर्म हो चुका है, देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे दोस्तों काफी अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है ऑटो न्यूज में। ऑटो न्यूज में दोस्तों सिट्रोन की तरफ से C3 फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। 5,71,000 रुपीज का स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है इनिशियल, काफी जरूरत सी गाड़ी है दोस्तों निकल गया ये सामने। दोस्तों बता दूं आपको 2 पेट्रोल इंजन आएंगे, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक वाले गियर बॉक्सेस नहीं आने वाले, यानी कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको मिलेगा 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं इनके पावर आउटपुट्स की, तो 82 HP की पावर आएगी, 1.2 लीटर का सिंपल वाला पेट्रोल इंजन और 115 Nm का टॉर्क मिलेगा। यही भी दोस्तों अगर बात करें 1.2 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन की तो इसमें आपको पावर अच्छी मिल जाएगी 110 HP की, टॉर्क भी काफी अच्छा मिलेगा इसके अंदर आपको मिलेगा 190 Nm का टॉर्क। दोस्तों जबरदस्त है, मतलब गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, फीचरफुल गाड़ी है, बस एक ही कमी है इसमें ऑटोमेटिक वेरियंट नहीं आएगा, अभी कंपनी ने यही क्लेम किया है, बाकी हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको नया लॉन्च कर दें, देखेंगे क्या निकल के आता है, लेकिन अभी मैनुअल आ चुका है। इसमें टोटल 2 ही वेरिएंट है, 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल। तो जो लोग ट्राई करना चाहते कर पाएंगे, इसको बुक करवा पाएंगे जल्दी। और दोस्तों फाइनली बता दूं आज ग्लोबल डेब्यू हो चुका है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का। दोस्तों अभी प्राइसिंग मेरे पास नहीं सामने करके आई है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसमें 2 इंजन आपको मिल सकता है देखने को, जिसमें 1.5 लीटर का TNAG इंजन हो सकता है। दोस्तों ये टोयोटा की तरफ से बनाया गया इंजन है, काफी जबरदस्त था 1.5 लीटर का। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा इंजन होने वाला है मारुति सुजुकी खुद का इंजन 1.5 लीटर का K15C इंजन। दोस्तों दोनों ही इंजन काफी जबरदस्त है। अब यहाँ पे आपको बता दूं पावर आउटपुट्स में काफी ज्यादा उन्होंने मिक्सअप किया हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है 92 एचपी की और कहीं पे लिखा हुआ है 114 एचपी की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं ये सीवीटी के साथ में आने वाली है, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक होने वाला है, साथ में इसमें मैनुअल भी होने वाला है। तो दोस्तों मिक्सअप हुआ पड़ा है, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा एग्जैक्टली यहाँ पर फिगर्स नहीं मेंशन है, ऊपर नीचे फिगर्स लगी हुई हैं, तो इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये बहुत ही जल्दी सेल पे जाने वाली है, कंपनी ने कहा है कि अभी इसका प्राइस इसलिए नहीं बताया गया है, बुकिंग इसकी ऑलरेडी चल रही है, आप लोग बुक करवा सकते हो। इंडिया में भी शुरू होने वाली है इसकी सेल वगैरह बहुत ही जल्दी, जैसे ही ग्लोबली जाएगी वैसे ही इंडिया में जाएगी। बहुत जबरदस्त गाड़ी है ये, मारुति की पहली गाड़ी है जिसमें आपको एडास का सिस्टम मिलने वाला है सेफ्टी के लिए, साथ में और भी बहुत सारे नए नए फीचर लगाए गए हैं। तो उन्होंने कहा है काफी ज्यादा हाईलाइटेड गाड़ी है ये वाली, देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है। तो दोस्तों आज की टेक और ऑटो दोनों अपडेट यहीं पे करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।